हम आ चुके हैं रोहिरो वाइस टावर में। तो यहाँ पे मिलिट्री बेस के अंदर बहुत सारा हेलीकॉप्टर आ चुका है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे कैसे आया, वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ। तो हमारे पास है शॉर्ट गन, चलो इस मोटो को मारते हैं। ये क्या, एक गोली में ही सो गया ये तो। चलो इसके पास पैसा था, पैसा ले लिया, अब इसको मार के देखते हैं क्या ये गोली में सोएगा। इसे तो कुछ नहीं हुआ, एक गोली में बच गया। तू नहीं बचेगा, रुक जा, एक और गोली टपकाता हूँ। ये सो चुका है, इसका भी पैसा हमने ले लिया। तो चलो यहाँ से निकलते हैं सीधा टिप्सन के पास, क्योंकि टिप्सन हमें एक सीक्रेट ट्रिक बताएगा, जो कि हेलीकॉप्टर वाला ट्रिक होगा, जो कि बहुत सारा हेलीकॉप्टर आने वाला है मिलिट्री बेस के अंदर। लेकिन यहाँ से उससे पहले भागो, यहाँ पे तो कल्लू कालिया की फाइट हो चुकी है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। दोनों में से कौन जीतेगा? ये क्या, उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकली, उसको तो मार के ही सुला दिया। मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये क्या कर रहे हो फिर, ये क्या किया तुमने, कार नीचे गिर गई। तो हम तो यहाँ पे स्टंट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कार तो नीचे गिर चुकी है। नीचे गिर जाने के बाद कार के इंजन में से आग निकलना भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये कार कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। हमें कार के अंदर जल्दी बैठना होगा, उसके बाद ये कार सही हो जाएगी। चलो बैठ गए, नहीं तो ये ब्लास्ट हो जाती। तो चलो यहाँ से निकलते हैं टिप्सन के पास, क्योंकि हमें तो करना है सीक्रेट ट्रिक। ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये ट्रिक सीधा मिलिट्री बेस के अंदर होगा, यानी कि युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है मिलिट्री बेस के साथ में, यानी कि फाइट होने वाली है। देखते जाओ ये फाइट कितनी बड़ी फाइट होगी। तो लगभग हम पहुंचने वाले हैं। ये क्या, हमने बाइक वाले को ठोक के सुला दिया। ये क्या, बच गया या फिर मर गया? ख़त्म हो गई कहानी भाई उसकी तो। चलो उतरो। ओ भाई टिप्सन, क्या हालचाल देख रहा है, पीछे कौन आ रहा है? पुलिस आ रही है, पुलिस जो कि हमेशा की तरह हमारे पीछे आती है और तू मार खाता है। छोटा छोटा, मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ, तू जा मिलिट्री बस के अंदर, वहाँ पे बहुत सारा हेलीकॉप्टर है, तुझे सारे के सारे हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करना होगा, उसके बाद मैं तुझे पैसों से माला माल कर दूंगा। जल्दी यहाँ से जा, नहीं तो ये दोनों तुझे बहुत मारेंगे। ठीक है, हम तो जाएंगे मिलिट्री बेस में, लेकिन जाने से पहले हम इसे घर के अंदर डाल देते हैं, नहीं तो ये पुलिस वाले सीधा जेल के अंदर बंद कर देंगे। अब यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट मिलिट्री बेस के अंदर, उसके बाद देखते जाओ क्या होता है। भाई ये दोनों तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। चलो कार ले लेते हैं, कार लेने के बाद यहाँ से निकलते हैं मिलिट्री बेस में। अब देखते जाओ यहाँ पे कितने सारे हेलीकॉप्टर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत सारे होंगे। अरे देखो यहाँ पे आ चुका है रो फिरो को मार के खिलाओ, नहीं बचना चाहिए रो फिरो, नहीं तो ये हेलीकॉप्टर को नहीं छोड़ेगा, बहुत महंगे हेलीकॉप्टर है। अब ये मिलिट्री वाले को नहीं पता कि हम हेलीकॉप्टर के साथ में क्या करने वाले हैं, यानी कि पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को हम ब्लास्ट करने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पे आ चुका है पुलिस वाले की कार, ये पुलिस वाले की कार भी हम ब्लास्ट कर देंगे। ये हमारे ऊपर डंडा चलाएगा, तेरी इतनी हिम्मत, चिंता मत कर, हम यहाँ पे बम चलाएंगे, उसके बाद तुम लोग बचोगे ही नहीं, नहीं तो उससे पहले भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले। तो चलो शुरू करते हैं ब्लास्ट करना, यानी कि देखो कितना बड़ा धमाका होगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ऑल पे सेट कर लो। तो हमने देख लिया है चारों तरफ से हेलीकॉप्टर को, तो कहाँ से शुरू करें ब्लास्ट करना? तो शुरू तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर बाद कोई फौज बुलाओ, मिलिट्री बुलाओ, पुलिस बुलाओ, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करने वाला है, बहुत महंगा हेलीकॉप्टर है ये, क्या ये तो शुरू भी हो गया। हाँ तुमने सही बोला मिलिट्री वाले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं बचेगा, हम सारे के सारे हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यानी कि हेलीकॉप्टर को हम बना देंगे भंगार, ये कुछ काम के भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये मिलिट्री वाले हमें फुल कोशिश कर रहे हैं मारने की, लेकिन ये मिलिट्री वाले हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके सामने इनका हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से भंगार हो जाएगा, यानी कि पूरा हेलीकॉप्टर साफ हो जाएगा मिलिट्री बेस में से। तो देखते जाओ कैसे हम पूरा का पूरा मिलिट्री बेस में से हेलीकॉप्टर साफ कर देते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर बाद रोबोट ट्रांसफार्मर कार आ जाएगा, ब्लू टैंक लेके आ जाएगा।
यानी कि भाई तबाही हो जाएगी। तो हमें ये काम जल्दी से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन एक दो हेलीकॉप्टर को हम छोड़ देंगे। तो चलो करते हैं फटाफट काम को कंप्लीट, उसके बाद हम यहाँ से गुल हो जाएंगे, यानी कि जादू मंत्र से गुल। तो हो गया काम हमारा कंप्लीट, तो यहाँ पे उतरो भाई, उतरने के बाद यहाँ से भागो। इतना हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर दिया, बहुत ब्लास्ट कर दिया, अब और भी हेलीकॉप्टर नहीं ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा देर रुकेंगे तो हो जाएगा हमारा काम तमाम। तो यहाँ पे आ चुका है रोबोट ट्रांसफार्मर का, जिसके इंतज़ार थी। ओ भाई ये तो रोबोट बन गया, ये तो हमें बहुत मारेगा। तो बैठो कार के अंदर, बैठ के भागो। ये क्या, ये तो कार के अंदर बैठा था, ये नहीं कि बाहर निकल जाऊँ। ओ भाई कार के अंदर बैठो फटाफट, यहाँ से भागो। तो यहाँ पे पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर तो ब्लास्ट नहीं हुआ, एक दो रह गया। चलो कोई बात नहीं, इतना तो ब्लास्ट तो कर ही दिया, लेकिन अब देखते जाओ ये हमारा पीछा करके हमें कैसे मारेगा। भागो भाई भागो, नहीं तो नहीं बचने वाले। अब ये हमारा पीछा करके हमें खूब पीटेंगे, लेकिन हमारे पास एक आइडिया है बचने का, तो देखते जाओ हम कैसे बचेंगे। तो हम जाने वाले हैं टिप्सन के घर के अंदर। घर के अंदर जाने के बाद ये पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये ट्रांसफार्मर रोबोट कार भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। ओ भाई क्या आरपीजी गन चलाया है, एक गोली चलाने के बाद उड़ा के फेंक दिया। अरे नहीं बचेगा, तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने नहीं जानता कि तूने कितने सारे हेलीकॉप्टर का ब्लास्ट किया। ट्रांसफार्मर रोबोट कार को बुला, उसको पीटो, नहीं बचना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये क्या कर रहा है भाई, ये कौन सा जादू है भाई? ये जादू देखने के बाद तुम लोग पागल हो जाओगे, पागल होके नाचोगे। तो देखते जाओ क्या करने वाला हूँ। उठाया, उठाने के बाद ले जाते हैं सीधा टिप्सन के घर के अंदर, उसके बाद हम सीधा पहुँच जाएंगे घर में। लेकिन हम तो नहीं पहुँच पाए, पहुँचेंगे भाई चिंता मत करो। ये क्या, ये तो कंकाल बन गए भाई, हमें भी अंदर ले ले भाई कैसे भी करके, नहीं तो हमें ये बहुत पीटेंगे। तो आ चुके हैं हम टिप्सन के घर के अंदर, यानी कि अब हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब क्या करोगे, अब पकड़ के दिखाओ, घर के अंदर आओगे आके तो दिखाओ। हमारा ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रिक है, आप देखते जाओ ये पुलिस वाला हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। तो हम बाहर निकल चुके हैं कार में से, यहाँ पे टीवी है, लेकिन इसको क्या हुआ भाई, ब्लास्ट हो गई एक कार, तो भाई बाहर निकल गई ये कार, लेकिन ये कार में से धुआं निकल रहा है, इसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये टीवी में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चलो यहाँ से बाहर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो ये तो हमें नहीं छोड़ेंगे भाई। यहाँ पे आ चुका है ब्लू टैंक, अब ये ब्लू टैंक तो हमें एक गोली से ही उड़ा देगा। अभी बाहर नहीं जाएंगे भाई, लेकिन थोड़ी देर बाद हम बाहर जाएंगे। रुको भाई, थोड़ा आगे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। ये तो पागल हो चुका है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर रोबोट कार बाहर निकलने के बाद हमें बहुत मारेगा। चिंता मत कर भाई, हमारा तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन टिप्सन से तो हमें पैसा लेना है, जो कि हमें ये टिप्सन ने चैलेंज दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में तो तुझे बहुत कूटेंगे, तू चिंता क्या कर रहा है, तू खाली बाहर तो निकल, अगले वीडियो में तुझे जेल में बंद करके मारेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि अगली वीडियो बहुत डेंजर होने वाली है।